विशेष सत्र में यहाँ पर बाबूलाल मरांडी पहुँचे और यहाँ पर कई चीज़ों पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि राज्यपाल के हाथ में होता है इन सारी चीज़ों को देखना और उनकी ओर से जब स्वीकृति मिलती है उसके बाद विशेष सत्र आहूत किया जाता है, बहुमत प्रदर्शन किया जाता है। इसको लेकर के बाबूलाल मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, हम लोग सीधे सुनते हैं। तो जो विशेष सत्र बुलाए हैं ये बिल्कुल समझ से परे है क्योंकि एक लाइन का और विशेष सत्र पर ही हमारे तो सवाल है। विशेष सत्र जो विश्वास मत के लिए बुलाए, क्योंकि सामान्य तौर पर विश्वास मत तब होता है जब गवर्नर या कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहती है कि आप सदन से विश्वास मत हासिल करिए। लेकिन इन औरों ने ये सारे कोई ना राज्य से क्या कहते राज्यपाल ने कहा है ना कोर्ट ने इनको कहा है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने विश्वास मत सदन में ला रही है विशेष सत्र बुला करके। ये बिल्कुल समझ से परे लगता है कि इनको अपने ही लोगों के ऊपर विश्वास और भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। और इसलिए आप सब ने देखा होगा कि पिछले दिनों जो कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के लीडर और भरोसा कितना उठा है कि हवाई अड्डा में भी जो सामान्य प्रक्रिया होता है कि चेकिंग करके लोग घुसते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल ऐसे लोगों को छोड़ करके शेष को तो चाहे मंत्री हो या कोई भी हो उन सारे लोगों को उसी चेकिंग से ही घुसना होता है, लेकिन उन सारे प्रक्रियाओं को ना करके बल्कि अपने अगले सीट पर बस में बैठ करके और सीधे बस को विधायकों के साथ हवाई जहाज तक अंदर ले गया और उन लोगों को उसमें बैठा करके फिर रायपुर रवाना किया। और रायपुर में भी जो पता चला कि उन लोगों को पूरी तरह से वहां के सिपाही के निगरानी में, यहां तक कि उनका जो मोबाइल होता है जिसमें आजकल स्मार्ट मोबाइल होता है उस सारे मोबाइलों को भी शायद उन लोगों का रख दिया गया और उन लोगों को बिल्कुल कैदी की तरह उन लोगों को बंद करके रखा और जब वहां से भी लाया है कल तो उसी प्रकार से और फिर एक होटल में यहां पर रखा, तो ये लगता है सर्किट हाउस में लगता है कि अपने लोगों के ऊपर ही उनको विश्वास नहीं है और शायद इसीलिए वो विश्वास प्रस्ताव की ये उनको जरूरत पड़ी है और नहीं तो कोई कारण नहीं है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ आप सब लोगों को जो संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री होते हैं या मंत्री परिषद होता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए होता है और संविधान के 164(2) में राज्यपाल के आदेश से ही मंत्री परिषद यानी विधानसभा से विश्वास मत प्राप्त करने के लिए राज्यपाल ही उसके लिए वो आदेश देते हैं, लेकिन इन्होंने उन सारे चीजों का बने कोई पालन नहीं हुआ क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 166 में 166 में कार्यकाली कार्रवाई होता है कार्यपालिका की एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होता है वो आप सब लोगों ने देखा है कि सब कुछ हो राज्यपाल के नाम से ही होता है, लेकिन यहाँ इन सारे चीजों को इन्होंने दरकिनार करके और मैं ये कह सकता हूँ कि आज भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 163, 164 और 167 के अनुसार यानी राज्यपाल महोदय को ही मंत्रिमंडल यानी उसके जो मुखिया या उनको अवगत कराना या उनके ओर से ये सारे होता है, लेकिन उन सारे चीजों का उन्होंने पालन नहीं किया है। आपका तो नियमानुसार नहीं है? बिल्कुल नियमानुसार नहीं है भाई, नियमानुसार कहाँ है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो मुख्यमंत्री को अब समझ में आ गया कि हमारे जाने का वक्त हो गया और चाला चाली का जो बेला होता है उसमें वो कुछ भी वो कर रहे हैं। तो भाजपा अंदर में क्या करेंगे? अरे अंदर में जो करेंगे वो अंदर में करेंगे, वो आपको बता देंगे अंदर में। सर हमको बताए तो राज्य की जनता, अरे भाई राज्य की जनता भी देखेगी ही अंदर में हम सब लोग इसी बात को जो मैं यहाँ कह रहा हूँ सामान्य तौर पर वहाँ भी सदन में।
तो आपने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बाबूलाल मरांडी को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर सरकार अपनी बहुमत पेश क्यों कर रही है, जो कि राज्यपाल की ओर से अभी तक ऐसी कोई भी बातें जो है वो नहीं कही गई हैं या फिर संवैधानिक रूप से भी ये कहीं ना कहीं उल्लंघन जो है वो कर रहे हैं। एयरपोर्ट में जिस तरीके से सभी विधायकों को बिना चेकिंग किए हुए सारे जो रूल्स है उसको तोड़ते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों को रायपुर भेजा था, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से, मैं पूजा, नमस्कार।